आज की वीडियो में जी हम पहुंचे हैं आगरा ताज में मशहूर अंडे वाला बर्गर ट्राई करने के लिए। तो इस वक्त यहाँ पे जो है ये भाई कबाब को जो है फ्राई कर रहे हैं। पहले से इनके पास मौजूद थे फ्राई हुए हुए कबाब, लेकिन उसके अलावा भी थोड़े से और जो है फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो है बर्गर बनाएंगे। यहाँ पे इनके जो हैं कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो है हमारा अंडे का बर्गर बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने सबसे पहले अंडा लेके अंडा तोड़ के इसका ऑमलेट बना रहे हैं। फ्राई करेंगे अंडे को, ऑमलेट बनेगा, उसके बाद बर्गर बनेगा। बन ले लिए हैं, बन को कट कर रहे हैं। ठीक है, बन के अंदर ये सॉस वगैरह ऐड कर रहे हैं। ये है पुदीने की चटनी, ठीक है, ये है टमाटर की चटनी, ये अनारदाने की चटनी, ये है इमली की चटनी। सारी चार किस्म की चटनियाँ इन्होंने लगा दी हैं। इसके बाद इन्होंने इसमें ऐड करना है कबाब। कबाब को कट करके दो पीसेस में कबाब ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी डाली बंद गोभी, थोड़े से डाले प्याज और दो स्लाइस खीरे के, और इसमें ऐड कर दिया है इन्होंने फ्राई हुआ वाला अंडा। उसके बाद ऊपर से मसाला ऐड कर दिया है, टॉपिंग के लिए सॉस ऐड किए, और इसमें जो है ये ऐड कर दिए इन्होंने ऊपर गार्निशिंग के लिए मायोनीज। तो ये हमारा अंडे वाला बर्गर हो गया तैयार, देख सकते हैं। ये इसको जो है थोड़ा बहुत फ्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमारा तकरीबन अंडे वाला बर्गर जो है हमारा रेडी हो गया। आप ये इसको जो है हमें कट करके सर्व करके देंगे। कट कर दिया बीच में से, अब ये सर्व करके दे रहे हैं हमें। हम टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से। साथ में जो है हमें चटनी डाल के दे रहे हैं, जो चटनी संधा डाली थी बन के अंदर, वही चटनी साथ में डाल के दे रहे हैं। देख सकते हैं तकरीबन जो है बर्गर हमारा रेडी है। अब हम सब टेस्ट करते हैं, खाते हैं, बताते हैं आपको कैसा बना है हमारा अंडे वाला बर्गर।